Here is Harshita Ahuja and I am explaining the class 10th geography chapter 1 resources and development, where I am covering the topic resources. So first, what is resources? आखिर resource होते क्या हैं? अगर आपको कोई पूछा जाए कि आपके लिए resource क्या है तो आप क्या कहेंगे? तो सबसे पहले resource क्या होते हैं? तो resource is things present in our environment to satisfy our needs. मतलब resource वो चीज़ें होती है जो कि environment में present हो और हमारी human की needs को satisfy कर सकें. पर resource ऐसे अपने में पड़े पड़े तो कुछ काम में नहीं आने पाली. तो resource को भी resource बनाने के लिए human की ज़रूरत होती है. और ह्यूमन बींग्स इन तीन चीज़ों पर डिपेंडेंट होते हैं. फर्स्ट नेचर, देन इंस्टीट्यूशन, देन टेक्नोलॉजी. और ये तीन चीज़ें आपस में इंटर डिपेंडेंट होती है. रिसोर्स इज अ एनीथिंग इन आवर एनवायरमेंट विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज नोन एज रिसोर्स. जो भी चीज़ आपके एनवायरमेंट में आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है जो आपको काम आ सके, ह्यूमन बींग को काम आ सके, वो चीज़ें होती है रिसोर्सेज. सॉरी वॉट द थ्री थिंग्स विच फर्स्ट रिसोर्स को हम लोग एक्सेस करने के लिए वो टेक्नोलॉजी हम लोग को होनी चाहिए जिससे वो रिसोर्स हम अवेलेबल हो सके. तो वही मैं बता रहा था टेक्नोलॉजी. इसको खोलने दो, पूरा पहले कंप्लीट करने दो, देन यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन योर कॉपी योर डाउट्स. ओके, टिल लास्ट यू हैव टू आस्क. स्टार्ट योर शुरू से जहाँ से आप रुके वहाँ से स्टार्ट. तो ह्यूमन बींग्स इन तीन चीज़ों पर डिपेंडेंट रहते हैं, नेचर, इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजी. और ये तीन चीज़ें आपस में इंटर डिपेंडेंट होती है. सबसे पहले ह्यूमन को नेचर चाहिए, तो उसको नेचर को एक्सेस करने के लिए उस ह्यूमन के पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए जिससे वो नेचर को एक्सेस कर सके. और वो नेचर से जो हम लोग को रिसोर्सेज मिलेगी उनसे कोई इंस्टीट्यूशन बनेगा जहाँ पर सारी टेक्नोलॉजी बनेगी. तो फिर जैसे टेक्नोलॉजी से हम लोग को नेचर से कुछ भी रिसोर्सेज मिलेंगे और फिर उसी नेचर से जो रिसोर्सेज मिलेंगे उससे इंस्टीट्यूशन बनेंगे और इंस्टीट्यूशन में ही वो सारी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी जिससे हम नेचर को बना सकते हैं. तो तीनों चीज़ें आपस में इंटर डिपेंडेंट होते हैं और ह्यूमन इन तीनों चीज़ों पर डिपेंडेंट होते हैं. देन द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम रिसोर्स को किन किन तरीकों से क्लासीफाई कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में भी हम दो प्रकार होते हैं जिसमें से एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक. बायोटिक में जो होता है कि जो रिसोर्सेज हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं और उनमें वो लिविंग होते हैं उनको बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं. बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं जिसमें एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स आ सकते हैं. जिससे प्लांट से हम फर्नीचर बना सकते हैं तो वो एक रिसोर्स हो गया जो हमें बायोस्फीयर और लिविंग थिंग से मिलता है, तो बायोटिक रिसोर्स हो जाएगी. उस पर ही ए बायोटिक रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज विच डू नॉट कंटेन लाइफ. वो रिसोर्सेज जिनके पास लाइफ नहीं होती है वो होते हैं ए बायोटिक रिसोर्सेज, जैसे कि रॉक्स, मिनरल्स एंड वाटर, एयर. ये सब हो गया एबायोटिक रिसोर्सेज में जो हमारे लिए यूज़फुल हैं पर उनमें लाइफ नहीं होती है. दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, वो रिसोर्सेज जो ख़त्म होने की कगार पे हैं या फिर जो रिसोर्सेज ख़त्म होने वाले हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं. एक रिसोर्सेज है जो एक रिन्यूएबल होता है, एक नॉन रिन्यूएबल होता है. सो व्हाट इज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस इज नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इसका मतलब जो रिसोर्सेज अपने आप प्रोड्यूस हो सकते हैं वो उन्हें, इसमें भी एग्जाम्पल आएगा सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ये सब चीज़ें हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू विंड एंड सनलाइट. और उस पर एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सो व्हाट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स जो रिसोर्सेज बहुत समय के बाद आ सकते हैं, जैसे कि अगर वो एक बार ख़त्म हो गए तो उन्हें मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाएंगे. द रिसोर्सेज विच
वंस एग्जॉस्ट देन इट टेक्स अ मिलियन ऑफ ईयर टू रिप्रोड्यूस, जिसपे जिसपे आ सकते हैं न्यूक्लियर प्लांट एंड फॉसल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम पेट्रोलियम वगैरह, वो होंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जैसे उसको पता चल रहा है कि वो ओनरशिप मतलब वो रिसोर्सेज जो किसी के अंडर में होते हैं, उसमें भी उसके चार प्रकार होते हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन, नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो सबसे पहले इंडिविजुअल से ही पता चल रहा है कि वो रिसोर्सेज जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के अंडर पे होते हैं, कि मतलब और कोई उनकी रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकता, वो एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर रहते हैं। तो ऐसे रिसोर्स के एग्जांपल होंगे हाउस हो गया, फील्ड हो गया। इसका एग्जांपल ले सकते हैं जो कुछ फार्मर्स रहते हैं जिनके पास उनकी ओन लैंड होती है, वो उनमें एग्रीकल्चर करके गवर्नमेंट को बेच के उसमें से इनकम ले सकते हैं। तो वो हो गया इंडिविजुअल्स का। और एक हो गया कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, तो वो रिसोर्स द रिसोर्सेज विच आर ओन बाय अ कम्युनिटी और अ सोसाइटी विच कैन बी यूजफुल फॉर होल सोसाइटी इज नोन एज कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। इसका मतलब जो रिसोर्सेज एक कम्युनिटी या फिर एक सोसाइटी के अंडर आती है उसको कम्युनिटी ओन रिसोर्स बोलते हैं, जिसमें एग्जाम्पल हो सकता है पब्लिक पार्क्स, पॉन्ड्स एंड स्कूल हॉस्पिटल्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस। उसके बाद रिसोर्सेज हो गई नेशनल रिसोर्सेज, तो एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन आवर नेशन इज नोन एज नेशनल रिसोर्सेज। सो इसमें हर चीज़ इंक्लूड हो जाएगी जो अपने नेशन में होती है, जैसे कि हमारे हाउसेज एंड आवर पर्सनल थिंग्स इज ऑल्सो अंडर द नेशनल रिसोर्सेज, जिसमें से गवर्नमेंट के पास पूरा राइट होता है कि वो हमारी जो रिसोर्सेज, हमारे जो घर या फिर हमारा जो एरिया रहता है उसको पब्लिक की नीड्स के लिए उसको हमसे ले सकते हैं। और फिर आगे, और जिसमें से 12 न्यूट्रिकल माइंस ऑफ ओशियनिक एरिया इज ऑल्सो अंडर दी इंटरनेशनल रिसोर्स, वो भी नेशन के अंदर आते हैं इसलिए उसको भी हम लोग नेशनल रिसोर्स पे। उसके बाद आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो जो कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंडर में नहीं होते, द रिसोर्स विच कैन नॉट कंटेन अ कंट्री, वो रिसोर्सेज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। जैसे कि 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर के जो भी समुद्र वगैरह रहते हैं, ओशियंस वगैरह रहते हैं, वो किसी कंट्री के अंदर पे नहीं आ सकते। अगर उनमें कुछ भी खोजबीन करनी रहती है तो उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे परमिशन, जो ग्लोबल रिसोर्स रहता है उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इस पे पता चल रहा है कि जो रिसोर्सेज डेवलपमेंट या फिर जिनको रिन्यू कर सकते हैं उनके बेसिस पे होता है। तो इस पे भी चार टाइप के होते हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व रिसोर्स। तो सबसे पहले पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स इज द रिसोर्स विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट एंड ऑल्सो टेक्नोलॉजी बट इट इज़ सो एक्सपेंसिव। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि गुजरात और राजस्थान में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा ही, मतलब उस पर धूप और हवाएं बहुत तेज चलती है, जिसके लिए हम लोग विंड टर्बाइंस और सोलर पैनल्स लगा सकते हैं जिससे कि हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो, लेकिन उसके लिए वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा तो उसके लिए वो नहीं कर सकते। तो ये हो गई पोटेंशियल रिसोर्स। उसके बाद होती है डेवलप्ड रिसोर्स, जो रिसोर्सेज डेवलप्ड हो चुकी है, उनका सर्वे हो चुका है, वो किस प्रकार से यूज़ में हो सकते हैं और अभी यूज़ में, उनको डेवलप्ड रिसोर्स बोलते हैं। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स वगैरह अभी उनको पता है कि वो कैसे यूज़ आने हैं, तो करके वो अभी अंडर डेवलपमेंट है, मतलब अंडर यूज़ है। उसके बाद आते हैं स्टॉक रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज वो रिसोर्स होती है जिनके लिए जो द रिसोर्सेज विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट वी डू नॉट हैव अ टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम। इसका एग्जांपल हो सकता है H2O वाटर। इस पे दो एलिमेंट्स होते हैं, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन होता है, जिसको जो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं हमारी लाइफ के लिए, पर हम उन जिससे 75% ऑफ सरफेस होती है वाटर से होती है। तो यानी कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, पर हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उन दोनों को अलग कर सकते हैं, तो वो एक स्टॉक रिसोर्स में आ जाएगी। उसके बाद आता है रिजर्व रिसोर्स, तो रिजर्व रिसोर्स आर द रिसोर्स विच हैव टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड
and we have the potential to access them, but we do not use them because क्योंकि हमें फ्यूचर के लिए भी उसको मतलब फ्यूचर के लिए उनको बजाना ताकि फ्यूचर जनरेशन से के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो. उसके बाद आती है प्रॉब्लम कॉस्ट, वो प्रॉब्लम्स जो कि ज़्यादा यूज़ करने पे या फिर फिजूल का यूज़ करने पे होती है रिसोर्स को, जिस पे से हो सकती है क्या था, हाँ कुछ लोग अपने फ़ायदे, कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए उसका बाकी रिसोर्स का बिना फालतू का ताकि उनकी मोर इनकम होए उसके लिए यूज़ करते हैं, जिससे कि जो एनवायरनमेंट पे रिसोर्स प्रेजेंट है वो उनकी मात्रा कम हो रही है, मतलब कि वो कम हो रहे हैं. और दूसरा हो गया कि फिजिबल मतलब कि जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही कम लोगों के पास पहुंचाई जाती है, जिसके साथ जिसका कारण ये होता है कि जो कंट्री है वो दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाती है, एक रिच और एक पुअर, जिसमें रिच को और रिसोर्सेज मिलते जाती है जिससे वो रिचर होते जाते हैं, और पुअर को रिसोर्स ना मिलने के कारण वो पुअर होते जाता है. और उसके बाद जिसको प्रिवेंट करने के लिए एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स टू यूज़ अ रिसोर्स इन दैट मैनर विच कैन नॉट हार्म अवर एनवायरनमेंट एंड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द फ्यूचर जनरेशन, मतलब वो रिसोर्सेज जो कि हम लोग बिना एनवायरनमेंट को हार्म पहुँचाए कलेक्ट कर सकें और वो फ्यूचर जनरेशन के से भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, यानी कि फ्यूचर में भी उस रिसोर्स का हम यूज़ कर सकें, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आ जाता है. जिसको सबसे अच्छे तरीके से रियो दे जेनेरियो अर्थ समिट द्वारा किया गया है. तो ये दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ समिट था जो कि ब्राज़ील में हुआ था. रियो दे जेनेरियो एक प्लेस इन द ब्राज़ील, वहाँ पे हुआ था ये, जहाँ पे जिसका रीज़न ये था कि उधर पे जो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स है, डिफॉरेस्टेशन है या फिर जो भी रिसोर्स एग्जिस्टिंग पॉइंट पे आ गई है, तो उनको प्रिवेंट करना, उनका प्रॉब्लम निकालना, जिसके लिए उन सब ने एक डिक्लेरेशन को साइन किया था जिसका नाम है Agenda 21. सो व्हाट इज़ Agenda 21? Agenda 21 इज़ अ डिक्लेरेशन वेयर दी प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्रीज डिसाइडेड टू क्लियर द प्रॉब्लम ऑफ उसको हटाने का एक था Agenda 21, एक डिक्लेरेशन था जिसका रिजल्ट ये निकला था कि एक ग्लोबल फॉरेस्ट पॉलिसी हुआ था, जिसपे से जो भी 100 से ज़्यादा कंट्रीज उस अर्थ समिट में शामिल थे उन्होंने अपने कंट्री के अंडर पे जितना भी फॉरेस्ट है उनको कंजर्व करने के लिए वो किया था, जिसपे से हर कंट्री को 33% ऑफ लैंड अपना रखना पड़ता है फॉरेस्ट का, 33% ऑफ लैंड फॉरेस्ट का रखना पड़ता है, ये उस था ग्लोबल फॉरेस्ट पॉलिसी का. उसके बाद आती है रिसोर्स प्लानिंग. सो व्हाट इज़ रिसोर्स प्लानिंग? रिसोर्स प्लानिंग इज़ यूज्ड फॉर टू वाइजली यूज़ ऑफ रिसोर्सेज प्रेजेंट इन आवर कंट्री, वाइडली यूज ऑफ टू प्रेजेंट इन आवर कंट्री. इस पर यह होता है कि जो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ इंडिया में होता है, क्योंकि इंडिया में हर जगह पे जो रिसोर्स है कहीं पे है और कहीं पे नहीं है. इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि गुजरात और राजस्थान में विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट पे, पर उधर पे वाटर की कमी है, तो उसके कारण भी उधर की जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी परेशान में है. और इसका उल्टा ही अरुणाचल प्रदेश में वाटर बहुत ज़्यादा है लेकिन उधर पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मतलब वो वाटर को यूज़ करने के लिए उधर पे कोई चीज़ नहीं है. इसी के लिए उन सबको प्रिवेंट करने के लिए ही मतलब कि हर जगह पे हर रिसोर्स पहुंच सके, ताकि सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट का ही नहीं पूरी कंट्री का डेवलपमेंट हो सके, इसलिए रिसोर्स प्लानिंग की जाती है. रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, अब इंडिया में ही मैंने जो पहले बताया कि उसका एग्जांपल कि रिसोर्स प्लानिंग के मतलब कि है पंजाब और राजस्थान में कम है उधर पे वाटर का और अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा है, तो वैसे ही उधर का ला के हम लोग इधर पे दे सके ताकि दोनों स्टेट्स को फ़ायदा हो सके.
तो उसी के लिए रिसोर्स प्लानिंग में तीन स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले देखना पड़ता है कि उसका सर्वे करना पड़ता है कि वेयर द रिसोर्स इज प्रेजेंट एंड वेयर द नॉट। उसका देखना पड़ता है कि कहाँ पे रिसोर्स प्रेजेंट है और कहाँ पे नहीं है, ताकि हम लोग उस जगह से दूसरी जगह पे हम लोग रिसोर्स को पहुँचा सकें। उसके बाद उसकी एक मैपिंग करनी पड़ती है कि कहाँ पे हम लोग पहले जाके रिसोर्स उठा के हम लोग दूसरी जगह दे पाएँ, ताकि दोनों स्टेट्स का फ़ायदा हो सके। उसके बाद थर्ड होता है सेकंड होता है टेक्नोलॉजी। उस रिसोर्स को हम लोग को एक्सेस करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने पहले इधर भी बताया था कि टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है नेचर को एक्सेस करने के लिए, तो वही टेक्नोलॉजी उसका यूज़ में कि उस नेचर को हम लोग किस प्रकार के यूज़ कर सकें, और जिसके लिए स्किल्ड ग्रुप की नीड रहती है कि ताकि जो टेक्नोलॉजी और नेचर का यूज़ हो उसको सही प्रकार से एक ग्रुप पूरा उसको कर सके। और तीसरा रहता है कि उस जो भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे भी स्टेट का डेवलपमेंट हो रहा है, वो पूरे कंट्री को हो सके, ना कि उसी पर्टिकुलर स्टेट से। कि पता चला कि हम लोग उधर पे एक से इधर पे निकाल तो रहे हैं लेकिन उससे कंट्री को कोई फ़ायदा नहीं है, तो ऐसे भी नहीं होगा। उस कंट्री का भी देखना पड़ता है कि उसका भी डेवलपमेंट हो सके। तो यहाँ पे पूरा जो रिसोर्स है उसका टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? डेटा आई प्रीवियस एक्सप्लेन दैट जो रिसोर्स है वो किसी एक पर्टिकुलर बंदे के पास जा रही है और दूसरे के पास बहुत कम जा रही है, तो जिससे जो इंडिया है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, रिच और पुअर। और रिसोर्स की कमी भी हो जाती है क्योंकि कुछ जो ग्रीडी पर्सन है उसके कारण वो रिसोर्स का फिजूल का यूज़ करते हैं उसके कारण। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, स्टॉक रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट वी डोंट हैव अ टेक्नोलॉजी। डेट आई एक्सप्लेन हियर कि हमारे पास 75% ऑफ वाटर है लेकिन उस जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, पर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम इन दोनों को एक्सेस कर सकें, तो वो स्टॉक रिसोर्सेज हो गए। एनी अदर क्वेश्चन? रियो द जेनेरियो ऑयल समिट हेल्ड बिकॉज जो रिसोर्सेज की कमी होने के कारण वो एक डिक्लेरेशन था जिसपे 100 से भी ज़्यादा पीपल्स आए थे, ताकि हम लोग जो रिसोर्सेज की कमी हो रही है उनको हम प्रिवेंट कर सकें, उनको बचा सके और रिसोर्स को फिर से हम लोग हो सके, जिसका रिजल्ट भी हुआ था कि ग्लोबल फॉरेस्ट पॉलिसी के कारण जो 1960 और 61 में जो फॉरेस्ट का वो था वो 19% करीब कुछ था, लेकिन उसके बाद 2014 और 2016 में वो 22.3% तक बढ़ गया था। तो ये उसका रिजल्ट था रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट का। व्हाट इज द करंट फॉरेस्ट एरिया? 23% 24% ऑफ फॉरेस्ट इंडिया। सॉरी, You told me, na, yesterday. You didn't listen. Yaad nahi hai, sir. Sir, can I answer? Yes. 24.46%. 24.46%, okay. How can sustainable development be attained? By the use of resources wisely, that is... वी आर यूजिंग अ वाटर इन वेरी मतलब फिजूल का वाटर खर्च करते हैं हम लोग, ब्रश करते टाइम या मुंह धोते टाइम नल को हम लोग खोल के रख देते हैं, तो उसको बचाने के लिए जितना वाटर हमको यूज़ में है उतना ही वाटर यूज़ करके हम फ्यूचर के लिए उसको बचा सके, तो वो सस्टेनेबिलिटी में आ जाएगा। एनी अदर क्वेश्चंस सर? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, ओके। थैंक यू अर्शित। थैंक यू सर।